हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस बस आने वाली है और हर बेकरी शॉप पर केक से सजा हुआ है और क्रिसमस में खास तौर पर प्लम केक बनाया जाता है। और प्लम केक कैसे बनाया जाता है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और प्लम केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी वो आपको आपके घर पे ही मिलेंगे। और प्लम केक बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और हर जगह ड्राई फ्रूटी देखेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा। ड्राई फ्रूट में हमने लिया है काला वाला किशमिश 3 बड़े चम्मच। ये 2 प्रकार का होती है, एक बीच वाला, एक बिना बीच वाला। आप बिना बीच वाला लेना। और पीला वाला भी हमने 3 बड़े चम्मच ही लिया है। और चेरी लिया है हमने 2 बड़े चम्मच। इनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और टूटी फूटी हमने सभी कलर को मिलाकर लिया है, ये 4 बड़े चम्मच है। और खजूर लिया है हमने 3-4, इनको हमने इस तरह से कट कर लिया है। और प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले काम होती है ड्राई फ्रूट को सोक करना। और सभी ड्राई फ्रूट को हम पहले एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। और इन ड्राई फ्रूट को सोक करने के लिए जो ऑरेंज जूस डाला जाता है वो फ्रेश वाला होना नहीं चाहिए, हाफ टेट्रा पैक वाला लीजिए। और इनको ओवरनाइट सोक करके रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप 2 घंटे भी रख सकते हो, लेकिन इनको ओवरनाइट सोक करने से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते है। हमें यहाँ भर के 1 कप लिया है और पूरी ड्राई फ्रूट को इस तरह से ढकना चाहिए। मैं इनको ओवरनाइट सोक करके रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरे दिन हो गया है, केक बनाना शुरू कर लेते हैं। और प्लम केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैरामल। और कैरामल बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 6 बड़े चम्मच चीनी। और इनको इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे ताकि इवनली मेल्ट हो जाए। और गैस का फ्लेम आप मीडियम टू हाई में रखिए। लीजिए, हमने पूरी 6 चम्मच डाल लिया है। अभी कुछ मत करना, जब थोड़ा सा पिघलने लगे तभी इसमें करछी लगाना है। देखिए, हल्का हल्का सा ये पिघलने लगा है। अब इनको हल्का हल्का इस तरह से मिला लेंगे। और चीनी का जब एक एक कण पिघल जाए तब गैस का फ्लेम आप लो में रखना और इनको 2-3 मिनट पका लेना है। देखिए, इनका कलर चेंज होने लगा है, लेकिन और पकाएंगे क्योंकि और डार्क ब्राउन चाहिए हमें, लेकिन जलाना नहीं। लीजिए फ्रेंड, ये डार्क ब्राउन हो गया है, गैस ऑफ कर दिया है। अब इनको थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हमने डाला है 1/2 कप पानी। और पानी डालते ही देखिए इस तरह से ये इकट्ठा हो जाती है, लेकिन घबराना नहीं, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद फिर से आप गैस ऑन कर दीजिए और गैस का फ्लेम एकदम लो में रखकर फिर से इनको थोड़ी देर पका लेना है, लेकिन एकदम गाढ़ा नहीं करना है। थोड़ा सा इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आप गर्म गर्म में पानी डालोगे तो पानी ऊपर आ जाएगा, तो एक्सीडेंट होने का डर रहता है। सही, ये हो गया है। अब इनको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। केक बनाने के लिए हमने यहाँ स्क्वायर शेप का केक टिन लिया है 3x6 का। और बटर पेपर के जगह हमने यहाँ सादा पेपर लिया है, क्योंकि सभी के घर में बटर पेपर नहीं होती है। और ये सादा पेपर तो सभी के हर घर में होते हैं। अगर नहीं भी है तो आप बच्चों को कॉपी में से आप चुपके से निकाल लेना। और पूरी टिन में आप इस तरह से घी या तो तेल लगा लीजिए ताकि हमारा केक निकालने में एकदम ईजी हो जाए। अब इनके ऊपर इस तरह से रख दीजिए पेपर को। यह हमने टीन से थोड़ा ऊंचा लिया है, तरह से मिलाकर हमने कटिंग करके रखा था। और इनके ऊपर भी हम लगा लेंगे तेल या तो घी को। और पूरी तरह से आप कोने कोने में अच्छे से लगा लेना है। लीजिए, अच्छे तरह से हमने तेल लगा लिया है। अब इनको साइड में रख देंगे। अब जाते हैं ड्राई फ्रूट की तरफ, जो हमने रात भर इनको छोड़ दिया था। देखिए, ड्राई फ्रूट ने अच्छी तरह से जूस को सोक कर लिया है। ये फुल्के डबल हो गया है, देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अब इनको अभी साइड में रख देंगे। और एक बाउल लेंगे और उसमें हम डालेंगे 1/3 कप पाउडर शुगर और 1/4 कप मिल्क और 1/3 कप ही लेंगे हम ऑयल और बिना स्मेल वाला। और 1/2 टीस्पून लेंगे हम वेनिला एसेंस। अगर आपके पास है तो डालिए, लेकिन डालने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आता है। और इनको अच्छी तरह से मिला लेना है 2-3 मिनट। देख लीजिए, इनको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये कैरामल को। देखिए, ये पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है। अब इनको पूरी कैरामल को हम इसमें डाल देंगे। अब ये डालते ही इनका कलर चेंज हो जाते है, आप देख लेना। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम ब्राउन। और इनको भी अच्छी तरह से मिला लेना है।
अब इसके ऊपर डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट को सोक करके रखा था उसी जूस को थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे, और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए पूरी तरह से ये मिक्स हो गया है। देखिए इनको हमें अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनके ऊपर छन्नी रखेंगे और 1.5 कप डालेंगे हम मैदा, और 1/4 कप डालेंगे हम मिल्क पाउडर। आप ये जरूर डालना, ये डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है केक में। और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम दालचीनी का पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे छोटा इलायची का पाउडर। और इसमें और 2 चीज डालना है जो मेरे पास आज नहीं है, एक जायफल का पाउडर और सोट का पाउडर। देखिए जो भी गंदगी है छन्नी के ऊपर आ गया है। चलिए अब इनको अच्छे तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से घुमाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने कोई भी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा अभी डाला नहीं है। लीजिए हमने इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। अभी थोड़ा सा गाढ़ा है क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट डालना बाकी है जो हमने सोक करके रखा था, और उसमें भी अच्छे से भरा है इसमें जूस। अभी सिर्फ हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, जूस के साथ ही डालेंगे, और इसमें और ऐड करेंगे नट्स को। ये 5 लिया है हमने बादाम, और 5 लिया है काजू को, इनको छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जूस अभी थोड़ा बचा के रखा है, बाद में देखेंगे इनका कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, देखेंगे थोड़ा गाढ़ा है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। पहले अच्छे तरह से मिला लेंगे। अभी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, हम 2-3 चम्मच डाल लेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। फिर से एक बार इनको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए इनका कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम खाने वाला बेकिंग सोडा। अभी इनको इस तरह से हल्के हल्के इसे फोल्ड करते हुए इनको मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं करना है। लीजिए ये मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून विनेगर, आप इनके जगह नींबू भी डाल सकते हो, और ये डालने से केक एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और इनको भी हम एक बार मिला लेंगे थोड़ी देर के लिए, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल चुका है। अब इनको एक कटा कर लेंगे। अब ये बेकिंग के लिए एकदम तैयार हो गया है। और हमने गैस भी पहले 10 मिनट आगे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम में, और कढ़ाई अच्छे से गर्म हुआ है। और बैटर को हम केक ट्रे में पूरी डाल देंगे। अब इनको एक बार इस तरह से टैप करें ताकि इनका एयर बाहर निकल जाए, और ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। ये हमने चेरी को 2-2 भाग में कट कर लिया है, अब इस तरह से सजा लेंगे। आपको जो जो पसंद है ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकते हो। लीजिए हमने पूरे ड्राई फ्रूट को डाल लिया है। चलिए अब इनको बेक करने ले जाते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हुआ है। अब इनको हम 40 मिनट के लिए बेक करेंगे एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में। और पूरा 60 मिनट हो गया है। चलिए केक को देखते हैं। केक तो अच्छे से फूल गया है लेकिन अंदर से पका के नहीं, इस तरह से चेक करेंगे। देखिए टूथपिक एकदम साफ आ गया है, ये अच्छे से बेक हो गया है। चलिए इनको निकालेंगे। देखिए हमने इनको निकालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए। ये पूरी तरह ठंडा हो गया है। अब चलिए इनको डीमोल्ड कर लेंगे। पहले हमने 40 मिनट में इनको एक बार देखा था टूथपिक डाल के, और टूथपिक साफ नहीं आया था, तो फिर से इनको हमने 20 मिनट कुक किया है। और देखिए ये आसानी से निकल जाता है। आपको एक बात बता दूँ, जो मैंने मेजरिंग करके जो ये इंग्रेडिएंट्स डाला था उसके हिसाब से ये केक टिन थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। आप इसे थोड़ा बढ़ा लेना क्योंकि ये फूल के ऊपर तक आया था। तो देखिए घर की चीज़ों से कितना बढ़िया है, हमारा ये केक बन के तैयार हो गया है। मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट बना है और एकदम जालीदार। देख लीजिए ये स्पॉन्ज की तरह ये दब रहा है और ऊपर आ रहा है। उम्मीद है आज का ये रेसिपी आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।